नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। विधवा को मेकअप की जरूरत नहीं, हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मेकअप सामग्री और एक विधवा के बारे में पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी को अत्यधिक आपत्तिजनक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि ऐसी टिप्पणी एक अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता की अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 की हत्या के एक मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार कर रहा था। इसमें एक महिला का कथित तौर पर उसके पिता के घर पर कब्जा करने के लिए अपहरण कर लिया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। पटना हाई कोर्ट ने मामले में 5 लोगों को दोषी सिद्ध कर बरकरार रखा था और 2 अन्य आरोपियों को बरी करने का फैसले को खारिज कर दिया। न्यायालय ने दोनों व्यक्तियों को दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिन्हें पहले एक निचली अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न की जांच की थी कि क्या पीड़िता वास्तव में उस घर में रह रही थी जहां उसका कथित तौर पे अपहरण किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला के मामा और एक अन्य रिश्तेदार तथा जांच अधिकारी की गवाही के आधार पर उच्च न्यायालय ने इसे निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वह उक्त घर में रह रही थी। पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी ने घर का निरीक्षण किया था और कुछ मेकअप सामग्री को छोड़कर कोई प्रत्यक्ष सामग्री नहीं जुटाई जा सकी, जिससे पता चले कि महिला वास्तव में वहां रह रही थी। पीठ ने कहा कि बेशक एक अन्य महिला जो विधवा थी वो भी घर के उसी हिस्से में रह रही थी। पीठ ने आगे कहा कि हाईकोर्ट ने इस तथ्य पे ध्यान दिया था, लेकिन यह कहते हुए इसे टाल दिया क्योंकि दूसरी महिला विधवा थी, इसलिए सिंगार का सामान उसका नहीं हो सकता था क्योंकि विधवा होने के कारण उसे मेकअप यानी सिंगार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि हमारे विचार में हाईकोर्ट की टिप्पणी न केवल कानूनी रूप से असमर्थनीय है बल्कि अत्यधिक आपत्तिजनक भी है। इस प्रकार के व्यापक टिप्पणी कानून की अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता और के अनुरूप नहीं है, विशेष रूप से तब जब रिकॉर्ड पे मौजूद किसी साक्ष्य से ऐसा साबित ना हो। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।